गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। एंड इन केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म में इसके थ्री केमिकल रिएक्टर है वो कंप्लीट हो चुके थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ रिएक्शन है इसकी क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फोर्थ रिएक्शन में अपन क्लोरोफॉर्म का करेंगे क्लोरीनेशन, मीन्स क्लोरीन से रिएक्शन। तो देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म क्लोरीनेशन करवा रहा है, रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से और ये रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में होगी तो यहां पे देखिए क्लोरोफॉर्म में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, वन। इस वन हाइड्रोजन को क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 यानी पायरीन। टेट्रा क्लोरोमेथेन प्लस ये हाइड्रोजन है वो सेकंड क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन कर लेगा किसका, HCl का। ठीक है, तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरीन में। तो यहां पे सिंथेसिस होता है किसका, पायरीन का, सिंथेसिस ऑफ पायरीन। ठीक है, तो ये क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ केमिकल रिएक्टर है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। फिफ्थ केमिकल रिएक्शन में अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर पाउडर से। यहां पे सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ एथाइन। यहां क्लोरोफॉर्म किसमें कन्वर्ट होगा, एथाइन में। एथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है एथाइन या एसिटिलीन में। तो देखिए यहां क्लोरोफॉर्म के टू मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, क्लोरोफॉर्म के ले लेंगे टू मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ क्लोरीन हो गए टोटल 6, 3 प्लस 3 क्लोरीन, 6 क्लोरीन हो गए और ये रिएक्शन करेंगे 6 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो देखिए टू क्लोरोफॉर्म के 6 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 6 सिल्वर के साथ तो ये फॉर्मेशन करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब देखिए इधर CH, इधर CH, ये कनेक्ट हो जाएंगे बाय ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 2 कार्बन 8, 4 ट्रिपल बॉन्ड आयन एथाइन, या इसको कहते हैं एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल सिल्वर के 6 एटम से रिएक्शन करके 6 HCl और मेन प्रोडक्ट बनता है एथाइन या एसिटिलीन। तो
क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर पाउडर के साथ एथाइन या एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। सिक्स्थ है रिएक्शन विद एसीटॉन, रिएक्शन विद एसीटॉन। अब अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करेंगे एसीटॉन से। अब क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन के साथ रिएक्शन करके सिंथेसिस करता है क्लोरीटोन का। किसका? क्लोरीटोन का। तो देखिए यहां पे रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के बीच में। अब क्लोरोफॉर्म से आ गया क्लोरी और एसीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन है ना, इसके बाद इसके लास्ट में क्या आ रहा है? टॉन। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरी और एसीटोन से टॉन। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है क्लोरीटोन। और ये जो क्लोरीटोन है ये हिप्नोटिक होता है। क्लोरीटोन है ये हिप्नोटिक होता है, यानी इससे नींद आने लगती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। ये ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ? यहां पे एसीटॉन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। एसीटॉन इज ए कीटोन, तो ये हो गया एसीटॉन। अब देखिए यहां पे एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O कीटोन। यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड है। अब देखिए तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है? ऑक्सीजन की। तो यहां डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। यहां क्लोरोफॉर्म है वो रिलीज करेगा H+ को। क्लोरोफॉर्म रिलीज करेगा H+ को, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा CCl3 को, तो CCl3 पे आ जाएगा माइनस और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया H+। अब ये जो H+ है वो लग जाएगा एसीटोन के O- से और CCl3- है वो लग जाएगा C+ से। यानी कंप्लीट क्लोरोफॉर्म का इसमें एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। H+ है वो O- से, CCl3- है वो C+ से। तो देखिए CH3 ऊपर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। O- H+ हो गया OH और नीचे C+ से लग गया CCl3-। तो ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इनका एडिशन हो गया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के लिए क्लोरी और एसीटोन के लिए टॉन। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नेम होता है क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन से रिएक्शन करके क्लोरीटोन का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीटोन है ये हिप्नोटिक होता है, ठीक है। यानी इसके यूज से नींद आने लगती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करके हिप्नोटिक क्लोरीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा क्लोरीटोन है इसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन से
क्लोरोफॉर्म से क्लोरी, एसीटोन से टॉन। क्लोरोफॉर्म का स्टार्टिंग वाला यूजुअल एरिया और एसीटोन का लास्ट वाला वर्ड है वो यूजुअल एरिया, तो ये हो गया क्लोरीटॉन। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अब नाइट्रेशन है वो होता है विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। और यहां सिंथेसिस होता है क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, क्लोरोपिक्रिन का। क्लोरोपिक्रिन है, इसे वॉर गैस भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन क्या होती है, वॉर गैस या टीयर गैस, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करवाएंगे तो फॉर्मेशन होता है क्लोरोपिक्रिन का, जो कि क्या होती है, वॉर गैस या टीयर गैस। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म और रिएक्शन है यहां पे नाइट्रेशन करवाना है तो विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को इस टाइप से लिख देंगे OHNO2, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ये NO2 हो गया और इधर OH, ठीक है। अब यहां पे बॉन्ड है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन, एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई होती है ऑक्सीजन की, तो यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। OH पे आ जाएगा माइनस और NO2 पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ने रिलीज कर दिया OH माइनस और क्लोरोफॉर्म है वो रिलीज कर देगा H प्लस। तो नाइट्रिक एसिड ने OH माइनस रिलीज कर दिया, क्लोरोफॉर्म ने H प्लस रिलीज कर दिया, तो CCl3 पे आ जाएगा माइनस। तो क्लोरोफॉर्म से H प्लस, नाइट्रिक एसिड से OH माइनस, ये यहां से वाटर निकल जाएगा। अब यहां पे NO2 प्लस है, NO2 प्लस से लग जाएगा CCl3 माइनस, तो क्लोरोफॉर्म से नाइट्रो समूह ऐड हो गया। अब नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना क्या होता है, नाइट्रेशन। यहां पे क्लोरोफॉर्म से क्या नाइट्रो ग्रुप है वो ऐड हो गया, तो नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना क्या होता है, नाइट्रेशन। तो यहां क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है CCl3NO2, ये होता है क्लोरोपिक्रिन, ये क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन होता है। और क्लोरोपिक्रिन है ये वॉर गैस या टीयर गैस होती है, ठीक है। तो क्लोरोपिक्रिन को वॉर गैस या टीयर गैस कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन होता है रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड।
एट केमिकल रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म की नेम रिएक्शन है राइमर टिमान रिएक्शन। अब राइमर टिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है विद फिनॉल। रिएक्शन विद फिनॉल, ठीक है। तो राइमर टिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है विद फिनॉल। सिंथेसिस ऑफ सैलिसाइडिहाइड क्लोरोफॉर्म की राइमर टिमान रिएक्शन में, जिसमें क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका, सैलिसाइडिहाइड का, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। फिनोल के साथ कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं फॉर्मिल, क्या कहते हैं, फॉर्मिल कहते हैं। तो फिनोल में फॉर्मिल या एल्डिहाइड ग्रुप का ऐड होना अपन इसको कह सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, इसे फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिनोल के ऑर्थो कंडीशन पे, फिनोल के ऑर्थो कंडीशन पे ऐड हो जाता है कौन, एल्डिहाइड ग्रुप, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं सैलिसाइडिहाइड, ठीक है। तो देखिए इसकी रिएक्शन किस टाइप से होती है, ये फिनोल हो गया और ये रिएक्ट करेगा विद क्लोरोफॉर्म। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अब क्लोरोफॉर्म में नंबर ऑफ क्लोरीन 3, तो यहां पे बेस के भी 3 मॉलिक्यूलर रहता है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। तो राइमर टिमान रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब यहां पे एज ए मैन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है किसका, सैलिसाइडिहाइड का। ये होता है सैलिसाइडिहाइड जिसमें फिनोल के ऑर्थो कार्बन पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड को फॉर्मिल भी कहते हैं। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, और इस प्रोडक्ट का नेम है सैलिसाइडिहाइड, ठीक है। साथ में 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, सैलिसाइडिहाइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब देखिए, अब अपन इस रिएक्शन का करेंगे मैकेनिज्म। तो अपन को यहां पे 1 मॉलिक्यूल फिनोल को यूज में लेना है, 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म, 3 मॉलिक्यूल NaOH, और एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सैलिसाइडिहाइड, 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल NaCl, 2 मॉलिक्यूल H2O। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ राइमर टिमान रिएक्शन। यहां फर्स्ट स्टेप में फिनोल है,
वो रिएक्ट करता है विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल थे? 3। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का वन मॉलिक्यूल है ये। अब फिनोल का नेचर होता है एसिडिक, फिनोल का नेचर होता है एसिडिक और ये है बेस। तो फिनोल है वो रिलीज करेगा H प्लस को, फिनोल रिलीज करेगा H प्लस को और फिनोल की ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनोक्साइड में। अब फिनोल की नेचर एसिडिक है तो फिनोल ने H प्लस रिलीज किया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये रिलीज करेगा OH माइनस। एच प्लस OH माइनस यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कितने बने थे? 2। ये वन वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। अब देखिए फिनोल ने H प्लस रिलीज किया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। इस O नेगेटिव से लग जाएगा Na पॉजिटिव। ये इतना होता है फिनोक्साइड है, यानी फिनोल H प्लस रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनोक्साइड आयन में। अब O नेगेटिव से लग गया Na प्लस, तो ये है सोडियम फिनोक्साइड। ये हो गया सोडियम फिनोक्साइड। अब देखिए अब सोडियम फिनोक्साइड है, ये रिएक्शन करेगा विद क्लोरोफॉर्म। अब यहां पे फिनोल को फिनोक्साइड में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है? फिनोल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड का मेन केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनका मेन केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे रिएक्शन किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फिनोक्साइड है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? फिनोल के कंपैरिजन में। इसलिए यहां फिनोल को फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम फिनोक्साइड रिएक्शन करेगा किससे? विद क्लोरोफॉर्म। यहां क्लोरोफॉर्म से निकल जाएगा Cl माइनस, बिकॉज यहां बॉन्ड है कार्बन एंड क्लोरीन के बिटवीन और यहां क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इससे माइनस और इस पे प्लस। तो ये यहां देखिए Cl माइनस चला गया और ये यहां CH Cl2 और C पे क्या है? प्लस। तो ये है डाई क्लोरोकार्बीन, ये क्या है? डाई क्लोरोकार्बीन। CHCl2 को क्या कहेंगे? डाई क्लोरोकार्बीन। और इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये यहां एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अपने कहा ना यार रिएक्शन किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पे वन इलेक्ट्रोफाइल अदर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करता है कौन? डाई क्लोरोकार्बन सी एच सी एल टू प्लस, ठीक है। अब फिनोल है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। फिनोल की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिनोल के ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे जाके ऐड होगा, तो इसलिए फिनोल है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पे इसके ऑर्थो कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऑर्थो पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहां पे ऑर्थो पे अटैक कर दिया इसने, अब ये यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा किसको? H प्लस को, ठीक है। अब बेंजीन रिंग पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो
तो वो बेंजीन के हाइड्रोजन को एज एच प्लस क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो एक प्लस वाले ने दूसरे प्लस वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये एच प्लस जो यहां से सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये एच प्लस चला जाएगा सीएल माइनस के साथ एज एच सी एल। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्थो पे लग गया सी एच सी एल टू। ठीक है, अब राइमेटिमान में बेस के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, थ्री। यहां पे अपने बेस का ओनली वन मॉलिक्यूल यूज लिए, अब यहां बेस के टू मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। ठीक है, ये यहां रिएक्शन कर लेंगे। अब यहां पे ये जो टू क्लोरीन है वो चले जाएंगे टू सोडियम के साथ माइनस टू NaCl, और टू Cl की जगह लग जाएंगे टू OH, यानी Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, OH। तो CH के साथ लग गए टू OH। अब देखिए वन कार्बन से टू OH ग्रुप लगे हैं, तो ये है हाइड्रेट, ये क्या है हाइड्रेट कंडीशन है, और हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और हाइड्रेट कंडीशन से क्विकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक OH से H और दूसरा OH कंप्लीट। तो ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब राइमेटिमान में वाटर मॉलिक्यूल कितने फॉर्मेशन होते हैं, टू। वन वाटर मॉलिक्यूल यहां स्टार्टिंग में हो गया था, और सेकेंड मॉलिक्यूल यहां पे हाइड्रेट कंडीशन से। अब देखो यहां पे सी एच ओ, ये फिनोक्साइड के ऑर्थो पे आ गया सी एच ओ, एल ए ग्रुप आ गए, फॉर्मुलेशन हो गया। अब अपन फिनोक्साइड को वापस कन्वर्ट कर लेंगे फिनोल में, कैसे, यहां पे ये HCl मॉलिक्यूल निकला था, और अपने राइमेटिमान की रिएक्शन देखी थी, वहां पे HCl का फॉर्मेशन नहीं होता। यहां पे थ्री प्रोडक्ट होते हैं सैलिसिलिक, NaCl एंड H2O, HCl का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये HCl यहां पे वापस यूज आ जाएगा फिनोक्साइड को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए यहां पे सोडियम मेटल है तो इसमें पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये HCl का H प्लस है, ये लग जाएगा O माइनस से। O माइनस H प्लस क्या हो जाएगा, OH, और यहां ऑर्थो पे लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये अपना मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक का फॉर्मेशन हो गया, ये सैलिसिलिक का फॉर्मेशन हो गया, और Cl माइनस है वो लग जाएगा Na प्लस के साथ, तो साथ में NaCl। ठीक है, तो इस टाइप से यहां पे एज ए प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक ये रहा, साथ में थे थ्री NaCl, टू NaCl ये रहे एंड वन NaCl ये रहा, थ्री NaCl हो गए, और साथ में टू वाटर मॉलिक्यूल, ये वन वाटर मॉलिक्यूल और ये सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है क्लोरोफॉर्म की फिनोल के साथ राइमेटिमान रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिकहाइड। ठीक है, अब जो क्लोरोफॉर्म के टू केमिकल रिएक्टर है वो टू केमिकल रिएक्शन और है जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।